मैं क्यों रखूं? और चाहिए तो मैं और दे दूं। इसको मैं क्या करूं इसका? प्लीज रोहित को दे दो मुझे वापस। आप रुपया देके मुझे खरीद रहे हो तो उसे कैसे खरीदोगे? उस इंसान के फीलिंग को कैसे खरीदोगे? और ये जो 10 लाख रुपए देख रहे हो ना, ये मैडम लेके आई है मुझे देने के लिए कि मैं तुम्हें भेज दूँ। 10 लाख में तुम्हें खरीद रही है मेरे से, मैं भेज दूँ तुम्हें? पेपर भी मत दो, उसे अपने ही पास रखो, बस यहाँ से चली जाओ, मुझे माफ करो। नहीं जाना, नहीं है मुझे, नहीं जाना, नहीं जाना, मुझे यहाँ से निकलो, हटो। वेलकम बैक टू अवर चैनल तुक्का 2.0। मैं हूँ आपका दोस्त होश मासूम नजाद। दोस्तों हमारे साथ बैठा हुआ रोहित, सबको पता है ये कौन है। लास्ट टाइम आपने सुना था एक रहीसजादी सोनिया सिंह, जिसके चक्कर में ये 2 साल से पिस रहा था। आज मेरे साथ यहाँ पे इंट्रो में फिर से क्यों है पूरी बात बताता हूँ। देखो तुम्हारे मेरे पास सोनिया का कॉल आया था और सोनिया चाहती है पर्सनली मेरे साथ मिलना। तो हम चाहते हैं भी जो भी चीज़ें वो चाहती है, जो भी चीज़ बोलना चाहती है, क्योंकि उस दिन जो एटीट्यूड था किसी का, इंसान का जो एटीट्यूड रहता है, नेचर और सिग्नेचर कभी नहीं चेंज होता, इसलिए उस पर मुझे कोई भरोसा नहीं। मैंने कैमरे लगाया और आज शायद अगर अच्छी बन के आएगी, पेपर दे देगी तो अच्छी बात है, सामने में सब कुछ क्लियर कर देगी। अगर वो कुछ और उसका प्लानिंग है तो वो भी कैमरे पे दिख जाएगा, ठीक है ना? साथ दे रहे हो ना मेरा? बिल्कुल पूरा, ठीक है। तो भाई ये भी मेरे साथ है और आप लोग भी साथ बने रहो। क्या चाहती है वो? रास्ते में अभी थोड़ी देर पहले बोली कि मैं पार्क में पहुंचने वाली हूं, तो बस आप लोग वीडियो में बने रहो, बाकी अब तुम यहां से चले जाओ, जो भी चीज़ें होगी आप चले जाओ, आना बीच में जब बुलाऊंगा, ओके? बाकी एक बार मैं सोनिया से पूछ लेता हूं, तब तक आप लोग वीडियो में बने रहो, देखते हैं वो आके क्या करती है। ये कौन है? अच्छा, मारने वारने का प्लान है क्या? नहीं नहीं बैठो, कोई बात नहीं। क्या बात करना था मतलब इतना अर्जेंटली, मैं समझा नहीं। देखो तुम मेरे और रोहित के ना मैटर में मत करो। देखो हम आज आपने इतना रिक्वेस्ट करा, इनके सामने बात कर सकते हैं? हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर्सनल ले रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना? तो मेरी बात सुनो सोनिया जी, हम आपसे उस दिन डिसरिस्पेक्ट से इसलिए बात करें क्योंकि उस लड़के ने आपके चक्कर में बहुत कुछ झेला है। अब आप दोनों का मैटर क्या है पर्सनल, क्योंकि हम जानते हैं किसी एक के तरफ से गलती नहीं होता, दोनों तरफ कुछ ना कुछ होती है बंदा, लेकिन वो झेला है वो इंसान। आप मानते हो इस चीज़ को? अगर नहीं मानते हो तो ये आपकी गलत फहमी है। उसने मेरे पास 10 दिन से रोया धोया, आज मेरे पास है वो इसलिए क्योंकि वो आपके साथ नहीं रहना चाहता। आप ज़बरदस्ती कितने दिन तक रख सकते हो उसको, ये पहले बताओ। वाली बात नहीं है, मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ, उसे प्यार करती हूँ, मैं नहीं चाहती वैसे बाहर ऐसे। देखो मेरा ये मुझे देखो जहाँ तक आपका जो रवैया था, व्यवहार था, मुझे उस पर कुछ नहीं कमेंट करना। मैं उसके जगह होता तो मैं तो नहीं रहता, बुरा मत मानना, मैं नहीं रहता। बाकी उसका क्या सीन है वो अभी भी बोलता है नहीं रहेंगे, और मुझे क्यों आप बुलाए मुझे नहीं समझ में आ रहा है अभी तक, ठीक है? पैसे मतलब कौन से पैसे? मैं क्यों रखूं? और चाहिए तो मैं और दे दूं। इसको मैं क्या करूं इसका? प्लीज रोहित को दे दो मुझे। मुझे आप खरीद रहे हो? मैं खरीद नहीं रही हूं, बस मुझे रोहित को वापस दे दो यार। चलो मैं सोनिया सिंह, मैं मेरी बात सुनो, मैं इस 10 लाख रुपए को अगर मैं रख भी लेता हूं, नहीं इसे भी रहने दो ना, इन्हें भी तो सुनना चाहिए ना आप क्या कर रहे हो। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, ये आप रुपया दे के मुझे खरीद रहे हो तो उसे कैसे खरीदोगे? उस इंसान के फीलिंग को कैसे खरीदोगे? उस इंसान ने जो 2 साल तक झेला उसे कैसे? मैं खरीद नहीं रही। तो ये 10 लाख क्यों दे रहे हो मुझे, मतलब क्या काम है इस रुपए का, मैं क्या करूंगा बताओ? आपका काम में लॉस हो रहा है या फिर आपका पर्सनल लॉस हो रहा है? नौकर रख लो ना एक, रोहित की क्या जरूरत है? नौकर नहीं
नौकर की बात नहीं है, रोहित से मैं काफी अटैच, बहुत अटैच हूं। ये कैसा अटैचमेंट है मैम कि आप उसको मतलब 2 साल से रिमोट कंट्रोल की तरह उसे कंट्रोल कर रहे थे, ये कैसा अटैचमेंट है? तुम्हारे लिए वो कंट्रोल होगा बट मैं, मेरा रवैया या फिर तुम ऐसा बोल दो, मेरा नेचर ही ऐसा, मैं उसको कोई कंट्रोल नहीं कर रही। मैं बहुत प्यार से उसके साथ रहती हूँ, मेरे को नहीं पता वो तुम्हें क्या बोलता है क्या नहीं। ठीक है ठीक है, ये पैसे यहीं रखते हैं और रोहित भी यहाँ है, उसे मैं लेके आ रहा हूँ। हेलो, आ गया, बात करो, क्या बात करना है? आ गई मैम तुम्हारी, और ये जो 10 लाख रुपए देख रहे हो ना, ये मैडम लेके आई है मुझे देने के लिए कि मैं तुम्हें भेज दूँ। क्या बोलना है बोलो। ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम गलत सोच रहे हो। नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, तुम्हारा पैसा गिरा दिया मैंने, उसके लिए माफ करना। ओके, लो लो तुम्हारा पैसा, बात करो, चलो वापस। मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ, क्या जिद लगा रहे? नहीं जाना मुझे, मुझे जाना नहीं है तुम्हारे। 10 लाख में तुम्हें खरीद रही है मेरे से, मैं भेज दूँ तुम्हें, तुम रहोगे इसके साथ जिंदगी भर? 10 करोड़ भी दोगी ना तो भी मैं तुम्हारे हवाले अपनी जिंदगी नहीं करने का, बिल्कुल भी तुम्हारे साथ रहना नहीं है। मैडम मैंने आपको बताया था ना, बात पैसे, आप पैसे लेके क्यों आए? आप इतने पैसे विथ बॉडीगार्ड आई थी, बॉडीगार्ड कहाँ गया तुम्हारा? उसे भी तो जानना है ना, तुम उसकी मैम कैसी है, किसी टाइम वो भी, उसे भी तुम भेज दोगी, तुम उसे भी भेज दोगी, तुम ऐसी लड़की हो तुम यार, कुछ इंसान है यार मुझे। तुम मुझे क्यों पैसे दे रही थी? इसे दो ना, इसे लालच दो ना, ये तुम्हें अपने आप को बेचेगा ना, मैं कौन होता हूँ? मैं तो इसे अपना आसरा दे दिया हूँ, ये मेरे साथ रह रहा है, ये प्रॉब्लम में था, मुझे पैसे नहीं चाहिए। तुम मुझे ना जितने भी पैसे दोगी ना, इसे मैं तुम्हारे हवाले नहीं सौंपने वाला, यही बोलना था ना, सुनना था, सुन लिए, सुनो, करो बात। हम तो चाहते हैं कि आज क्लियर हो जाए, तुम अभी भी पेपर लेके नहीं, मैं तो ये सोच रहा था कि ये लड़की पेपर लेके आएगी, बात करो, करोगे ना? कोई दिक्कत नहीं है ना, करो बात, आज क्लियर करना सब कुछ। क्यों आई हो आज, क्या बात कर? रोहित पैसों की बात नहीं है, बहुत लॉस हो रहा है, मैं तुम्हारे साथ, पता है ना तुम्हें पास जिंदगी की चाहती हूँ, बिजनेस की वजह से आई हो, लॉस हो रहा है, बिजनेस की बात नहीं है, तुम्हें पता है ना मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। नहीं जाना मुझे अपनी जिंदगी में, तुम जैसा चाहोगे ना तुम वैसी लाइफ जीना, तुम पैसे की बात नहीं है रोहित। तो फिर पैसे क्यों लेकर आई हो इतने सारे पैसों, क्या करोगी तुम उसे? खरीदने आई थी लड़के को? मैं उसको खरीदने नहीं आई थी। तो फिर क्यों आई हो? मैंने बस मैं तुम्हारे साथ बॉन्ड पेपर लेकर आना, क्यों नहीं लेकर आई ये बताओ। तुम्हें पता है ना मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, इतने सारे पैसे यार, 10 करोड़ भी दोगे ना वो जब भी नहीं बिकेगा, वो इंसाफ दिलाने वाला साफ दिल का आदमी है वो। यार मैं तुम्हारे साथ जिंदगी चाहती हूँ, तुम जैसा रहना चाहोगे रोहित में तुम वैसे रह लेना। नहीं रहना मुझे तुम्हारे साथ, बिल्कुल नहीं रहना, 2 साल बहुत कठिन कटे हैं, तुम्हें नहीं पता मेरे दिल पे क्या बीती थी। तुमने मुझसे कभी शेयर करा कभी क्या प्रॉब्लम थी? तुमने मुझे कभी नहीं बताया रोहित। तुम्हें 2 दिन में इतना इरिटेट होने लगा कि बिजनेस में लॉस ये वगैरह, और मैं 2 साल से झेलता आ रहा हूँ, इतने सारे पैसे क्या करूँ इनका, ये रखो अपने पास ही ना। मैं पैसे किसी को देने के लिए नहीं आई थी। तो क्यों लाई थी इतने सारे पैसे ये बताओ। रोहित प्लीज मान जाओ। नहीं जाना नहीं है मुझे, नहीं जाना रोहित प्लीज, नहीं जाना मुझे, यहाँ से निकलो, हटो, प्लीज मान जाओ, नहीं जाना, जाओ, नहीं ये पैसे लेकर जाओ अपने, ये तुम्हें जैसी लाइफ चाहिए तुम वैसी लाइफ जी लेना, पकड़ो अपने पैसे जितने भी चाहिए उठाओ अपने हाथ से, यार तुम्हें जैसी लाइफ जीनी है जी लेना। नहीं रहना मुझे तुम्हारे साथ, नहीं 2 साल मैंने देख लिया तुम्हारे साथ रहकर कैसा होगा, एक एक मौका दे दो प्लीज, मुझे एक मौका दे दो। नहीं देना, एक भी मौका नहीं देना प्लीज, पैसे उठाओ अपनो, निकलो यहाँ से। और आज का यार तुम किस तरीके से बात कर रहे हो मेरे से, बॉन्ड पेपर ला दो, बात खत्म, किस तरीके से बात कर रहे हो, बैठ जाओ प्लीज, बैठ जाओ, नहीं बैठना जाओ, क्या कर रहे हो यार, तुम्हें क्या हो गया है? क्या हो गया अब पूछ रही हो 2 साल बाद आकर, तुम मुझसे कुछ शेयर ही नहीं करते, बताओगे तभी तो मुझे कुछ पता होगा ना कि क्या चल रहा है तुम्हारी लाइफ में। अच्छा, तुम्हें ये नहीं पता कि एंजॉयमेंट किसे कहते हैं, फोन चलाना किसे कहते हैं, फ्रेंड से बात करनी, कभी फ्रेंड से बात करने दी, कभी एंजॉयमेंट करने दिया तुमने मुझे? तो फिर काम कौन करता, काम मैं तुम्हें मुझे देखा है क्या, काम अपने तरीके से होता और एंजॉयमेंट अपनी, मैं खुद नहीं कर पाती ना। सही बात यार, लाइफ सेट करने के लिए काम भी जरूरी होता है। सेट हो गई ना लाइफ, अब पूरा 100% लो आप, लाइफ सेट है, पैसा उठाओ। तुम्हें कंपनी चाहिए, मैं पूरी कंपनी तुम्हारे नाम कर दूंगी, जौन सा बंगला चाहिए वो बंगला तुम्हारे नाम कर दूंगी। कोई सा बंगला नहीं चाहिए, आप पैसा उठाइयो जय, मुझे तुम बहुत बुरी लगने लगी हो, नफरत हो गई। क्या हो गया, क्या भड़का मासूम मेरे बारे में? मासूम ने नहीं भड़काया। तो फिर क्या हो गया तुम्हें सडनली? मैं मुझे तुम्हें मैंने बताया नहीं, 2 बार तो मैंने अपने आप को मानने की कोशिश करी, 2 से 3 बार, सिर्फ इसी वजह से क्योंकि
गई 2 मिनट। और कुछ बात करना है मैडम आपको? ये पैसे का तो इज्जत मासूम, प्लीज उसे मेरे को दे दो, मुझे वो चाहिए। नहीं जाना मुझे, वो कोई सामान नहीं है मैडम, जो आप बोल रहे हो ना बार बार, वो मुझे चाहिए, वो कोई सामान नहीं है। ठीक है, पहली बात तो। दूसरी बात, यहाँ पे आप जो पैसे लेके आए ना, सबसे पहले बात तो वो गलती की है आपने, प्यार से आ सकते थे, पैसे लेके आप मुझे दे के क्या साबित करना चाहते हो? आपके पास बहुत पैसा है। मैं वो नहीं बोल रही कि मेरे पास बहुत पैसा है या कुछ भी। आप इतना पैसा लेके घूम रहे हो यार, अमीर होना बड़ी बात नहीं है, उस अमीरी में आप कितना खुश हो वो बड़ी बातें हैं। ठीक है, ये पैसे पकड़ो आप और किसी और को देना, किसी अच्छे जगह लगाना, ताकि आपका ना जीवन खुश हो। इसका खर्चा था जो मैं बस वो खर्चा दे रही थी, कितने वो खर्चा हुआ है इनका? देखो रोहित, अभी भी मौका है, लास्ट टाइम बोल रहा हूँ, ये लड़की तो पेपर देने से रही, क्या करना है बोल सामने में। मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ, नहीं रहना यार। तुम्हें जो चाहिए, तुम्हें जैसे रहना है वैसे रह लेना। कुछ चाहिए ही नहीं मुझे। इसका पीछा छोड़ दो ना यार, क्या दिक्कत? नहीं छोड़ सकती मैं उसको। ये कैसा प्यार है, प्यार प्यार प्यार, ये लगा रहा प्यार करती हूँ, 2 साल से दिखाई नहीं दिया क्या प्यार? कभी साथ में घूमने का, कभी डिनर पे बोला जाने के लिए? तुम डेली बोलो, डेली चलेंगे हम डिनर पे, चलो। नहीं जाना ना, मतलब कहने से जा रहा हूं। एहसास हुआ है ना, इसे भी तो टाइम चाहिए ना, तुम पे बिलीव कैसे होगा, इसे ट्रस्ट कैसे होगा, जो तुम थी पहले वैसे ना बन जाओ इसे। क्या पता अभी वीडियो डिलीट कराने की वजह से कर रही हो कि रोहित से बात कर लूंगी बाद में, ठीक है सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाए, वीडियो डिलीट कर दो, फिर उसका तुम व्यवहार करो। मैं वीडियो जहां जो करना है कर लो वीडियो की, मुझे कोई टेंशन नहीं है। नहीं मुझे रहना ही नहीं है तुम्हारे साथ, तुम बहुत लोमड़ी दिमाग की बात, ये नहीं रहेगा। आपको जो करना है करिए, पैसे लीजिए आ जाइए, इसे नहीं रहना आपके साथ। रोहित प्लीज चलो। मैंने अभी आपको 5 मिनट इसलिए छोड़ा कि जो भी चीजें होगी आमने सामने बात होगी, इसने क्लियर पूरा कर दिया है, तुम्हें इसको रहना ही नहीं है तुम्हारे साथ, खाम खा आप दिमाग लगा रहे हो इस चीज में। रोहित प्लीज घर चलो। मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ यार, मैं अपनी फैमिली वालों को क्या बोलूंगी? जो बोलना वो बोलो। रोहित प्लीज घर चलो ना यार। नहीं जाना मुझे, सोने तुम्हारे साथ नहीं जाना, प्लीज रोहित देख रहा हूँ, नहीं जाना मुझे, नहीं जाना तुम्हारे साथ। रोहित प्लीज चलो ना, मुझे माफ करो, तुम पेपर भी मत दो, उसे अपने ही पास रखो, बस यहाँ से चली जाओ, मुझे माफ करो, जो करना वो करो, जाओ यहाँ से। इतना परेशान हो गए हो तुम मेरे से? बहुत ज्यादा हो गया, 2 साल में तो बहुत ज्यादा। कैसी लड़की है यार, जरा सा भी मतलब, यार मेरे पास पैसे लेके आ रही है इतने मोटे गड्ढे लेके कि 10 लाख रुपए लो और मुझे रोहित को दे दो, रोहित कोई सामान है? 2 साल